जिसको यासी मुजम्मिल मुदस्सिर कहा, जिसको यासी मुजम्मिल मुदस्सिर कहा, वद्दुहा भी पुकारा हमारा नबी, वद्दुहा भी पुकारा हमारा नबी। कौन नबी? आओ मैं बताऊं प्यारे, कौन नबी? आजा सुन्नी देख जरा, हर संत फजा में नबी नबी, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलजेब हवा में नबी नबी। कौन नबी? गौर से सुनो, अलिफ से लो इंसान नबी, बासे कामिल बुरहान नबी, तासे ततहीर की जान नबी, सासे सकलैन की शान नबी, जीम सिफात के बाद नबी, हर मख्फी बात का राज नबी, मकदूर नबी तकदीर नबी, हासे हक की तस्वीर नबी, खासे खत्मुर रसूल नबी, खालिक का शहकार नबी, पैकरे हुस्नो जमाल नबी, रासे रहबल हर हाल नबी, जासे है जाहिर भी नबी, बे बदल नबी बे मिसल नबी, मेरा सीन से है साकी भी नबी, सच्चा सच्चा काफी भी नबी, सीन से शाफी जिक्र नबी, स्वास से जाकिर फिक्र नबी, तो से तरफे नूरे नबी, आयन से ऐनुल हक नबी, गैन से गनी मुगनी भी नबी, फैसे फजले रब्बी भी नबी, मेरा काफ से काबा नबी नबी, मेरा काफ से किबला नबी नबी, गर लाम से पूछो क्या है नबी, लौलाक के मात सिवा है नबी, मीम से मोहम्मद पाक नबी, नून से नूरे कुरान नबी, वाव से चेरे वद्दुहा नबी, या से यदुल्ला असहाबे नबी, ईमान नबी ईकान नबी सुल्तान नबी मेरी जान। कौन नबी? जहरा का बाबा नबी नबी, हसनैन का नाना नबी नबी, सलवात सलात में नबी नबी, हर सच्ची बात में नबी नबी, हिजरत की रात में नबी नबी, और यहाँ का मुसलमान बोले नबी नबी। कौन नबी? आदम की आदमियत बोल रही है नबी नबी, शीश की मारिफत के अंदर ये आवाज आ रही कि कौन शीश कहते हैं नबी नबी, इब्राहिम बोले नबी नबी, इस्माइल कहे नबी नबी, यूसुफ कहे नबी नबी, मूसा कहे नबी नबी, तमाम अंबिया की नबूवत बोले नबी नबी, रसूलों की रिसालत बोले नबी नबी, सिद्दीक की सताकत बोले नबी नबी, फारूक की अदालत बोले नबी नबी, उस्मान की सखावत बोले नबी नबी, अली की शुजात बोले नबी नबी, हसन की और हुसैन की शहादत बोले नबी नबी, गौसे आजम की करामत बोले नबी नबी, खाजा की हुकूमत बोले नबी नबी। कौन नबी? आओ देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को पैदा किया है, आकाए करीम को पैदा किया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम समझो, उनका मर्तबा समझो, कि अल्लाह ने अपने महबूब को कौन सी शान अता की है। हमने किसी ऐसे वैसे का कलमा नहीं पढ़ा है, हमने उसका कलमा पढ़ा है, ना जिसके तलबे का जवाब है ना उसके जलवे का जवाब है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का मुकद्दस तलबा भी बेमिसाल है, आका का जलवा भी बेमिसाल है। रब फरमाता है लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, आयते पाक की रहमतें बरकतें हासिल करने से पेशतर, आइए हम और आप सब मिलकर हादिये सुबुल मौलाए कुल खतमुर रसूल अनी से बेकसा, चारा साजे दर्दमंदा से याहे लामका, मालिके इंसुजा सुबह कायनात के शमशुद्दुहा, शामे कायनात के बदरुद्दुजा, अहमदे मुजतबा मोहम्मद अरबी रूहे फिदा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे गुरबार में झूम कर बुलंदाबाद से गुलामाना अंदाज में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना
शफीयना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात रबीउल नूर 12 रबीउल नूर शरीफ, इस तारीख को मुसलमान क्यों मनाता है, इस तारीख के अंदर कौन सी ऐसी खूबी है कि जो हर साल मनाई जाती है, आओ ये खूबी कहाँ से हमें मिली। अल्लाह के रसूल जब इस दुनिया में तशरीफ ला रहे थे तो नबी की माँ ने जो बयान किया है मैं वो सुनाता हूँ आपको। सैयदा आमिना बयान फरमाती हैं कि लोगों मेरे बच्चे मोहम्मद की जब वलादत हुई तो आसमान से चांद और सितारे मेरे आंगन में झुके चले आ रहे थे। अल्लाह ने कुमकुमों की जगह पे चांद सितारों को नीचे उतार दिया था। तो ये कुमकुमे लगाना, ये रोशनी करना, ये चरागा करना, ये किसी और का काम नहीं, ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह ने महबूब के विलादत के वक्त में चांद और सूरज को, आमिना फरमाती है, मेरे आंगन के बिल्कुल नजदीक कर दिया था। फरमाती हैं कि जब मेरे बच्चे मोहम्मद की वलादत हुई तो मैंने पूरब से लेकर पश्चिम तक इतना नूर, इतनी रोशनी कि मैंने पूरब से पश्चिम तक सारी कायनात का नजारा कर लिया। अब ये बताओ, अल्लाह ने अपने महबूब को पैदा किया तो इतनी रोशनी करने की क्या जरूरत थी, ये रोशनी क्यों की गई, कायनात को रब ने क्यों सजाया था, कैसे सजाया था। आओ नबी की माँ बयान फरमाती हैं, सैयदा आमिना फरमाती हैं, लोगों जब मेरे बच्चे मोहम्मद की वलादत हुई तो जिब्रील आए, उनके साथ में फरिश्तों की एक जमात आई, उनके हाथ में 3 झंडे थे, उन्होंने एक झंडा पूरब में लगाया हुआ था, एक झंडा पश्चिम में लगाया हुआ था, एक झंडा खाने काबा की छत पर लगा दिया था। अब ये बताओ, आज हम नबी के नाम पर अगर झंडा लगाते हैं तो जिब्रील की सुन्नत है कि नहीं है, जिब्रील झंडा लेकर क्यों आए थे, विलादत नबी की हुई थी, झंडे की जरूरत क्या थी। अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, अल्लाह जानता है कि मेरे बंदे जब मेरे महबूब का जश्न मनाएंगे तो वो कुमकुमे भी लगाएंगे, झंडे भी लगाएंगे, मीलाद भी पढ़ेंगे, तो उनसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ लिखा है, ये कैसे है, इसका सबूत कहाँ से है। तो अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जाओ नबी की विलादत है, जाओ झंडा लगा दो ताकि मेरे महबूब के उम्मतियों को इसका सबूत मिल जाए। बात समझ में आ रही है, गुफ्तगू समझ रहे हैं आप, मैं आसान जबान में बोलने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि मेरी गुफ्तगू का मयार ये नहीं है, मेरी गुफ्तगू का मयार थोड़ी सख्त उर्दू है, लेकिन क्या फायदा ऐसी गुफ्तगू से जो आपके समझ में ना आए, मैं चाहता हूँ मैं जो बोलूँ वो आपके समझ में आए। हजरात हिंदुस्तान की तारीख उठा कर देखिए, आकाए करीम जब तशरीफ नहीं लाए थे तो यहाँ का माहौल ये था कि यहाँ अगर किसी का शौहर मर जाता था तो उस लड़की को जिंदा रहने का हक नहीं था, ना दूसरी शादी कर सकती, बल्कि तारीख में लिखा है कि या तो लड़की को अपने पति के चिता पर जल के भस्म हो जाना था, अगर वो जिंदा रहना चाहती तो उसे काल कोठरी में बंद कर दिया जाता, जरूरियात जिंदगी वहीं पेश किए जाते, और 6 महीने के बाद अगर वो जिंदा निकलती तो उसको कालिक पोत कर चेहरे पर जानवर पर बैठा के लोगों को ये जहन दिया जाता था कि ये मनहूस है, इसने आते ही अपने शौहर को खा लिया है। ये हिंदुस्तान की तारीख हमें बताती है, हिंदुस्तान में सगी बहनों से शादी की जा रही थी, ये इंसान अखलाकी एतबार से इतना गिर चुका था। और माबूदों का हाल तो ये था, कंकर पत्थर, मक्खी मच्छर, हवा फजा, ये सब हम मसदूद इंसानियत बने हुए थे, ये सब माबूद बने हुए थे, लेकिन ये हिंदुस्तान की तारीख है। अरब की तारीख तो ये हमें बताती है कि अरब के बाज़ कबीलों में माज़ अल्लाह
बच्ची अगर पैदा हो जाती थी तो उसे जिंदा गाड़ दिया जाता था, बच्ची को पैदा होना मनहूस समझा जाता था। ये अरब का माहौल है, ये तारीख में बता रही है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से पहले मक्के का ये हाल था। किसी कबीला से जब लड़की पैदा होती थी तो उसको जिंदा बाप गाड़ देता था, बच्ची को ले जाकर एक गढ़े में गढ़ा खोद कर लिटाता, उसके सीने पर पैर रख देता था, जबान बाहर आ जाती थी, बच्ची आँख में आँख मिलाती थी, बाप की आँखों में खून टपक आंसू टपकने के बजाय खून टपकते थे, और बेरहम हाथों से बाप अपनी बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया करता था। ये तारीख में बताती थी, अरब का ये हाल था। इन बच्चियों की आहें जब बाबे हिजाब में टकराई, ए परवरदिगारा अब मोहसिन इंसानियत को भेज दे, ऐसे को भेज दे जो इस जुल्म का खात्मा कर दे, ए रब्बे कायनात अपने महबूब को भेज दे। इन बच्चियों की आहें बाबे हिजाब में टकराई, खल्लाके कायनात ने रबीउन नूर की 12 तारीख को हजरत सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अनहा के बतने अकदस से आकाए करीम को दुशंबा के दिन सुबह सवेरे हजरत अब्दुल मुत्तलिब की हवेली में आमीना के बतने अकदस से पैदा फरमा दिया है। अब अपने आका की अजमत समात करो, मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए हैं, आकाए करीम की वलादत हुई है, मुस्तफ़ा तशरीफ ला रहे हैं। आने का हाल ये है कि जिस रात में मुस्तफ़ा तशरीफ लाए हैं उस रात में मक्के में 1000 घर में पैदाइश हुई है, लेकिन अल्लाह ने मुस्तफ़ा के आमद के सदक़े में सबको बेटे अता किए हैं। देखो मुस्तफ़ा की आमद का सदका देखो। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए हैं तो मक्के के दरो दीवार से खुशबू आ रही है, मक्के की वादियां महक रही हैं, मक्के के दरो दीवार महक रहे हैं, सहराएं महक रही हैं, मक्के की हवा फजा बदल गई है। सुबह को उठ के सुबह सवेरे जब सरदारान मक्का चौराहे पर इकट्ठे हुए तो आपस में बातें कर रहे हैं। कोई कहता है मेरे बाप को शिफा हो गई है, बरसों से बीमार था, यकायक मेरा बाप ठीक हो गया है। दूसरा कहता है अरे मेरे बाग के तमाम दरख्त सूख गए थे, तमाम पेड़ सूख गए थे, सारे दरख्त सूखे हुए थे, लेकिन जब आज सुबह जाकर मैंने जायजा लिया तो वो सूखे हुए दरख्त न सिर्फ हरे हो गए बल्कि बिन मौसम के उनमें फल लग गए। लोग आपस में बातें कर रहे, एक कहता है कि मेरे जानवर के थन सूख चुके थे, उसमें दूध नहीं था, कई दिनों से मैं देख रहा था कि जानवर के थन सूख गए हैं, मगर आज सुबह जब मैंने जायजा लिया तो मेरे जानवरों के थनों में दूध भरा हुआ है। जरा सोचो, ये मुस्तफ़ा की आमद का सदका है। अब आओ देखो नबी की माँ बयान कर रही हैं, नबी का मीलाद, भाई नबी की माँ से बेहतर कौन बता सकता है। नबी की माँ बयान फरमा रही हैं कि जब मेरे बच्चे मोहम्मद की वलादत हुई है उस वक्त का आलम यह था कि जब मेरे बच्चे की वलादत हुई तो एकाएक मुझे ऐसा लगा कि आसमान से चांद और सितारे मेरे आंगन में झुके चले आ रहे हैं, मक्के के दरो दीवार से खुशबू फूट रही है, तमाम मक्के में एक हंगामा मचा हुआ है कि ये कैसा समा बदल गया, ये माहौल कैसे तब्दील हो गया, ये खुशबू कैसी आ रही है, ये मक्के का समा कैसे बदल गया, आखिर क्या वजह है। तब तक कि ये सरदार आपस में बातें कर रहे थे, इतने में एक सरदार आने मक्का, एक सरदार कुरैश काबे की तरफ से आया और कहता है ए सरदार आने मक्का, क्या बातें कर रहे हो, आपस में क्या गुफ्तगू सुनीद कर रहे हो। कहा तुम नहीं देखते ये मक्के के हालात बदल गए, मक्का कहत साली का शिकार था, मक्के में खुशहाली दौड़ गई, तुम ये मंजर नहीं देखते। उसने कहा देख रहा हूँ, लेकिन मैं जो देख कर आया हूँ अगर मैं बताऊंगा तो आप ताज्जुब में पड़ जाओगे, हैरत में डूब पड़ोगे। कहा क्या तुमने देखा है। कि मैंने देखा अब्दुल मुत्तलिब, ये सरकार के दादा जान हैं,
सरदारे कुरैश है। वो सरदार कहता है, मैंने सरदारे कुरैश अब्दुल मुत्तलिब की गोद में इतना हसीनो जमील बच्चा देखा है, इतना हसीनो जमील कि आज तक मेरी आंखों ने इतना खूबसूरत देखा ही नहीं है। काब में खाने काबा का तवाफ करके आ रहा था, अब्दुल मुत्तलिब बच्चे को लेकर खाने काबा की तरफ जा रहे थे। मैं कभी अब्दुल मुत्तलिब को देखता था, कभी खाने काबा को देखता था, मुड़ मुड़ कर कभी अब्दुल मुत्तलिब को देखता, कभी खाने खुदा को देखता, लेकिन मेरी आंखें ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि अब्दुल मुत्तलिब काबे की तरफ जा रहे हैं या काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ चला रहा है, या काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ बढ़ा चला रहा है। ये शान है। अब्दुल मुत्तलिब के पास सरदाराने कुरैश कहते, चलो देखते हैं कितना हसीन बच्चा है। आए हैं, आने के बाद कहते हैं, सरदारे कुरैश मैंने सुना है तुम्हारी गोद में जो हैं बड़े हसीनो जमील हैं, जरा मुझे भी उनका दीदार करा दो। अब्दुल मुत्तलिब ने बाहें फैला दी, यूं फैलाया, लोगों ने सरकार के चेहरे को देखा तो गोया आला हजरत की जबान में यूं पुकार उठे कि वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत हुई है। उस वक्त नबी के पैदाइश के वक्त जो औरतें वहां पर मौजूद थी उनका बयान सुनो। कहती है, ए आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे गोद में जो आए हैं, जो पैदा हुए हैं, अरे ये तो खतना शुदा पैदा हुए हैं। अब आओ नबी की माँ का उनका बयान सुनो। नबी की माँ क्या फरमाती है, कहती है, मेरे बच्चे मोहम्मद की वलादत वसादत जब हुई है तो मेरे बच्चे ने पैदा होते ही अपनी पेशानी को जमीन पर रखा और पहली मर्तबा मेरे बच्चे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, दूसरी मर्तबा कहा अल्लाह अकबर, और तीसरी मर्तबा कहा रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। जरा सोचो जो नबी पैदा हो रहा हो, हमको हम गुनहगारों को याद कर रहा हो। और हदीस में लिखा है कि जब नबी पाक का विसाल होने लगा, जब नबी पाक का विसाल का वक्त करीब आया, हजरत जिब्रील आए और कहते हैं या रसूल अल्लाह आपको आपके परवरदिगार ने सलाम अर्ज किया है। और हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह बाहर मौत का फरिश्ता खड़ा है जो आज तक किसी से इजाजत नहीं लिया, उसको इजाजत की जरूरत नहीं, जहां जब चाहता है वो चला जाता है, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन वो आपके घर आने के लिए इजाजत चाहता है। मलकुल मौत बाहर खड़े हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिब्रील बुला लो मलकुल मौत को अंदर। जिब्रील आए हैं, अल्लाह के हबीब ने पूछा जिब्रील क्या मुझे तुम मारने आए हो। जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह मेरे अंदर इतनी विसात कहाँ, मैं आपको मारूं, मेरे अंदर ताकत नहीं है। कहा मुझसे तो रब ने ये कहकर भेजा कि महबूब से पूछना, अगर वो रहना चाहे तो छोड़ आना और अगर आना चाहे तो कह देना रब इंतजार कर रहा है। अर्शे आजम पे तैयारियां पूरी फूल हो गई हैं, धूमे मची हैं, या रसूल अल्लाह आपको आपका परवरदिगार चाहता है कि आप तशरीफ ले चलें। नबी ने फरमाया जिब्रील पहले जाओ मेरे रब से ये पूछ कर आओ कि अगर मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा तो रब मेरी उम्मत को तन्हा तो नहीं छोड़ देगा।
देखो पैदा हो रहे हैं तो उम्मत को याद कर रहे हैं, और दुनिया से जाने का वक्त है तो उम्मत को याद कर रहे हैं। जब विसाल हो गया, कब्रे अनबर में लिटाया गया, तो आपके लबहाए मुबारक हिल रहे थे। हजरते सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने कान लगाकर सुना कि कहीं ऐसा तो नहीं अपनी बेटी फातिमा को याद कर रहे हो, हसन हुसैन को याद कर रहे हो। का जब मैंने कान लगाए तो मेरे कानों में आवाज आ रही थी, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे हबनी उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को सलामत रखना, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर देना। मुसलमानों दिल पे हाथ रख के सोचो, जो नबी पैदा हुआ हम गुनहगारों को याद कर रहा है, जो नबी दुनिया से जा रहा है हम गुनहगारों की फिक्र लगी हुई है, जो नबी कब्रे अनवर में लेटा हुआ है हम गुनहगारों के ताल्लुक से रब से अरीजा कर रहा है, ए अल्लाह मेरी उम्मत को सलामत रखना। क्या इस उम्मत का ये फर्ज नहीं बनता कि नबी का जिक्र हो थोड़ी देर आकर बैठकर सुन ले। ये कम नसीब लोगों के लिए है कि नबी का कलमा पढ़ा, नबी के नाम का सदका खाते हो, लेकिन नबी के नाम के जिक्र की महफिल हो रही तुम अपने घरों में बैठे हो। जहां जिक्र हबीब होता है, मचल कर बोलो, जहां जिक्र हबीब होता है वहां खुद खुदा भी करीब होता है, और उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। तो ये खुश नसीबी है उन लोगों की, अल्लाह जिसे तौफीक देता है वही नेक महफिलों में आता है। तुम अपने बिस्तरों पर सोते रहो, लेकिन कल तुम्हें अफसोस होगा जब कब्र में जाओगे। आकाए करीम हदीस पाक सुनो, जब बंदा कब्र में जाएगा तो नबी पाक का दीदार कराया जाएगा, पूछा जाएगा इन्हें पहचानते हो, जो जो नबी की महफिल में बैठता है, नबी का जिक्र सुनता है, नबी की मोहब्बत उसके दिल में पैदा होती, वो फौरन वहां पर अर्ज करता है कब्र में कि हुवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे ये वही तो हैं जिनका हम मिला सुना करते थे, जिनकी महफिल किया करते थे। फरिश्ते जब फरिश्ते ये सुनेंगे तो आका फरमाएंगे, ए फरिश्तों मत छेड़ो, सोने दो, ये मेरा दीवाना है। तो यार कब्र और हश्र में काम आने वाली चीज है ये महफिल। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद की बरकत पहले मैं बता दूं, एक यहूदी ने किसी मुसलमान आलिम दीन से नबी की महफिल के ताल्लुक से सुना कि जो अल्लाह के हबीब की महफिल करता है, जिक्र करता है, और जो उसमें लंगर करता है, खर्चा करता है, अल्लाह उसके लिए अपने रिज्क के दरवाजे कुशादा कर देता है। जितना तकदीर में लिखा होता है अल्लाह उससे 70 गुना ज्यादा कर देता है। अब उस यहूदी ने सुना कि यार मुसलमानों के पैगंबर का मीलाद मनाने में इतनी बरकत। यहूदी कहता है मैं मुफलिसों का लाज था, गरीब आदमी था, मैंने 2 आने से वो मीलाद शुरू किया, फिर 10 आने पर पहुंचा, फिर एक दिन ये आया कि मेरे दरवाजे पर 11 तारीख 12 तारीख में लंगर आम होने लगा। लोगों ने आकर पूछा, यार तुम यहूदी हो, तुम क्यों रबीउन नूर मनाते हो, क्यों नबी के नाम का लंगर करते हो। यहूदी ने कहा, साहिबो मैं बड़ा गरीब आदमी था, ये नबी के मीलाद की बरकत है कि मैं अमीर हो गया। जरा सोचो, ये गैर होकर नबी का मीलाद मनाए तो उसकी कमाई में अल्लाह बरकत डाल दे, और जब नबी का दीवाना मीलाद मनाएगा क्या उसकी कमाई में बरकत नहीं होगी। बिल्कुल बरकत होगी साहेब, बहुत बरकत होगी। आओ मैं बताऊं कि नबी का मीलाद मनाने में कितना फायदा मिलता है। सुनो,
अबू लहब दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन था मेरे सरकार का, सगा चचा है मगर सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया का अबू लहब और अबू जहल, नाम तो सुना होगा ना, ये दोनों कट्टर दुश्मन थे। नबी की विलादत हुई तो अबू लहब के घर में एक लौंडी थी जिसका नाम सुवैबा था। उस बांधी ने आकर बताया, ए अबू लहब तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे भाई अब्दुल्ला के घर में चांद सा चेहरे वाला बेटा पैदा हुआ। तो अबू जहल ने, अबू लहब ने इन दो उंगलियों से इशारा किया, ए सुवैबा तूने मुझे खुशखबरी दी है ना, जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। अब सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन, उससे बड़ा कायनात में दुश्मन कोई नहीं, बदतरीन काफिर। अब देखिए, उसका इंतकाल हो गया, मर गया। एक सहाबी ने हजरत अब्बास, उन्होंने ख्वाब में देखा और उससे पूछा, मा फ़अल अल्लाहु बिका, अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मामला किया अबू लहब? तो मालूम है वो क्या कहता है कि साहब हम बड़ी तकलीफ में हैं, बहुत शिद्दत का अजाब हो रहा है, आग का बिछौना बिछाया गया है, आग का लिबास पहनाया गया है, जंजीरें आग की हैं जकड़ दिया गया हूँ, लेकिन हाँ पीर का दिन जब आता है, पीर का दिन आता है तो मैं अपनी ये दो उंगलियां जब मुंह में रखता हूं तो मुझे पानी मिल जाता है, कुछ राहत मिल जाती है। कहा किस लिए? खा नबी की पैदाइश की खुशी में मैंने इन दो उंगलियों से अपनी एक बांधी को आजाद किया था, तो अल्लाह ने उसकी बरकत से मुझे ये कब्र में राहत दी है कि मैं दो उंगलियां मुंह में रखता हूँ, अजाब में कमी हो जाती है। अब जरा सोचो, नबी का दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन, अगर वो नबी की मीलाद मनाए, उसने नबी की पैदाइश में खुशी मनाई, लेकिन नबी समझ के नहीं मनाई, सिर्फ अपना भतीजा समझ के, अब्दुल्ला का बेटा समझ के खुशी मनाई, तब उसे कब्र में ये इनाम कि पीर के दिन उसके अजाब में कमी कर दी जाती है। अब जरा सोचो, जो नबी का कलमा पढ़ता हो, नबी का दीवाना हो, नबी का नाम लेवा हो, वो नबी का मीलाद मिलाए मनाएगा तो उसे कितना अजर व सवाब मिलेगा, कितना फायदा मिलेगा। मैं ये महफिल हमारे आपके लिए जरिए निजात हो जाएगी, बख्शिश का जरिया बन जाएगी, अल्लाह इस महफिल को कबूल कर ले। अल्लाह वालों की महफिल में वही आते हैं जिन्हें अल्लाह तौफीक देता है। बहुत से लोग हैं जिनके घरों तक आवाज जा रही होगी, घरों में लेट कर सुन रहे हैं, लेकिन वो समझ रहे कि हम नहीं आ रहे, ये उनकी खाम ख्याली है, वो नहीं आ रहे, बल्कि अल्लाह ने उनको तौफीक ही नहीं दी कि वो आए। अब मैं एक हिकायत सुनाऊं। एक शख्स जिसको अल्लाह ने बेपनाह दौलत दी, बेपनाह बहुत दौलत दी, लेकिन उस शख्स ने कभी अपनी जबान से लफ्ज अल्लाह तक नहीं कहा, कभी रब का नाम नहीं लिया। अच्छा मकान, अच्छा कारोबार, बेपनाह दौलत दी। एक दिन फरिश्ते ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला तो उसको क्यों दिए जा रहा है, दौलत पे दौलत, दौलत पे दौलत क्यों दिए जा रहा, मैंने तो इतना नाशुकरा आज तक तेरा नाम तक इसकी जबान से नहीं सुना। तो साहिब जानते हो, अल्लाह ने कहा, ए फरिश्ते इन्नी आलमु माला तालमू, जो मैं जानता हूँ वो तू नहीं जानता है। का इसकी औकात क्या कि मेरा नाम ना ले? अल्लाह कहता है इसकी औकात क्या है कि जो मेरा नाम ना ले, मैं चालू तो दिन भर ही अल्लाह अल्लाह ही करता रहेगा। का देखना चाहते हो? कहाँ? एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ इसके अंदर दाखिल हो जाओ और अंदर जाकर इसकी सारी नसें चुरमुरा दो, सारी नसों को घुमा दो। अब नसें जब घूमी हैं तो यह बेचैन हो गया, अल्लाह 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 करने लगा, अब पूरा दिन रात अल्लाह अल्लाह ही कर रहा है। अब वो फरिश्ता कहता है, मौला ये तो इतना बदबख्त था, कभी नाम नहीं लेता था, अब तो हर वक्त अल्लाह ही अल्लाह में कट रही है,
तो अल्लाह कहता सुन फरिश्ते, मैं जिससे चाहता हूँ उससे अपना नाम लिबाता हूँ। सुभान अल्लाह। तो ये खुश नसीब लोग हैं जिनको अल्लाह इसी महफिलों में बैठने की तौफीक देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दम मदार, पत्ती पत्ती फूल फूल, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सोड़े की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारायण की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। अब आओ नबी का मीला सुन लो, नबी की अजमत सुन लो पहले, फिर मीला सुनाता हूँ। अल्लाह ने अपने महबूब को पैदा किया, फरमाया लोगों मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है, आइडियल है, टाइटल है। अब जरा जहन को हाजिर करो, गुफ्तगु थोड़ी गहरी होने वाली है। रब ने 1,24,000 या कम उबेश 2,24,000 अंबियाए कराम नबी पैदा किए, लेकिन किसी की जिंदगी को आइडियल नहीं बनाया, टाइटल नहीं बनाया, न नमूना बनाया कि ये तुम्हारे लिए नमूना है, नहीं। जबकि उसूल ये कहता है कि अगर इंसानों के लिए किसी को आइडियल बनाना था तो दुनिया का पहला इंसान इंसानों का आइडियल होना चाहिए। और दुनियावी एतबार से देखा जाए तो खूबसूरत इंसान को मॉडलिंग के लिए चुना जाता है, तो अगर मॉडल बनाना था तो किसी खूबसूरत, तो सबसे ज्यादा हसीन दुनिया में कौन गुजरा? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हदीसों में लिखा है कि एक हिस्सा हुस्न अल्लाह ने पूरी कायनात में बांटा है, एक हिस्सा हुस्न पूरी कायनात में बांटा गया, और तन्हा 9 हिस्से हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया गया। तो कितने हसीन होंगे, वो हुस्न का बादशाह, हुस्न का पैकर होगा। अगर मॉडल बनाना था, आइडियल बनाना था, तो उस हुस्न के पैकर को आइडियल बना दिया होता, लेकिन नहीं बनाया। 1,24,000 अंबिया किसी को आइडियल नहीं बनाया, ना टाइटल बनाया। क्यों? वजह क्या कि अल्लाह ने हजरत आदम के अंदर एक सिफत अता की थी। आदम के अंदर आदमियत तो थी, मगर शीश की मारिफत नहीं थी। शीश की जिंदगी के अंदर मारिफत तो पाई जाती, मगर नूह की शुजात नहीं थी। नूह की जिंदगी के अंदर शुजात तो पाई जाती, इब्राहिम की खुल्लत नहीं थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर खुल्लत तो पाई जाती, मगर इस्माइल का ज़बह इशार नहीं था। इस्माइल की जिंदगी के अंदर ज़बह इशार तो पाया जाता, मगर इसहाक की रजा मौजूद नहीं थी। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर रजा जोई तो पाई जाती, मगर याकूब का एतिमाद मौजूद नहीं था। हजरत याकूब की जिंदगी के अंदर एतिमाद तो पाया जाता, मगर लूत की हिकमत मौजूद नहीं थी। हजरत लूत की जिंदगी के अंदर हिकमत तो पाई जाती, मगर इलियास का वकार मौजूद नहीं था। हजरत इलियास की जिंदगी के अंदर वकार तो पाया जाता, मगर सुलेमानी शौकत मौजूद नहीं थी। हजरत सुलेमान की जिंदगी के अंदर शौकत तो पाई जाती, मगर दाऊदी खिलाफत मौजूद नहीं थी। हजरत दाऊद की जिंदगी के अंदर खिलाफत तो पाई जाती, मगर हजरत अय्यूब का सब्र मौजूद नहीं था। हजरत अय्यूब की जिंदगी के अंदर सब्र तो पाया जाता, मगर मूसा का जाहो जलाल मौजूद नहीं था। हजरत मूसा की जिंदगी के अंदर जाहो जलाल तो पाया जाता, मगर हजरत यूसुफ का हुस्ने तमकिनत मौजूद नहीं था। हजरत यूसुफ की जिंदगी के अंदर हुस्ने तमकिनत तो पाया जाता, मगर हजरत दानियाल की कुव्वत दानाई मौजूद नहीं थी। हजरत दानियाल की जिंदगी के अंदर कुव्वत दानाई तो पाई जाती, हारून की अखुव्वत मौजूद नहीं थी। हजरत हारून अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर अखुव्वत तो पाई जाती, मगर जकरिया की शहादत मौजूद नहीं थी। हजरत जकरिया की जिंदगी के अंदर शहादत तो पाई जाती, मगर ईसा की एजाज़े मसीहाई मौजूद नहीं थी। खल्लाके कायनात इरशाद फरमाता है, हे मेरे बंदो सुनो, मैंने तमाम नबियों को पैदा किया, उनको एक मौजज़ा अता किया, एक खास सिफत अता की, लेकिन जब मैंने आमिना के लाल को पैदा किया है, दोनों आलम
आलम के मालिक को मुख्तार को पैदा किया है, नाइबे परवरदिगार को पैदा किया है। तो रब्बे काबा इरशाद फरमाता है, ए मेरे बंदो सुनो, मैंने सारे नबियों की सारे रसूलों की खूबियों को इकट्ठा किया और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में रख दिया। तो आला हजरत अजीमुल बरकत दरियाए रहमत जबलुल इस्तिकामत आयतुम मिन आयातिल्लाह मौजजतुम मिन मौजजाते रसूलिल्लाह यूं अर्ज करते हैं, परवरदिगार जब तूने अपने महबूब के अंदर इतनी खूबियां रख दी तो तेरे हबीब को क्या कहे। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे। और तेरे तो वस्म ऐबे तनाई से हैं बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। सुभान अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, मरहबा मरहबा। अच्छा, अल्लाह ने अपने महबूब को पैदा किया है, ज़हनो फिक्र को जरा हाजिर करें। अल्लाह ने अपने महबूब को पैदा किया, अल्लाह आप लोगों की कमाईयों में बरकत दे। अल्लाह ने अपने महबूब को पैदा किया है और पैदा कैसे किया जरा गौर से सुनो। हजरत आदम और हजरत ईसा ये दो नबी ऐसे हैं कि आदम को अल्लाह ने बगैर माँ बाप के पैदा किया। आदम का कोई माँ बाप नहीं है, मिट्टी का पुतला बनाया। आइए गहरी बात भी बता दूं, इंसान की जिंदगी में ये दुख और सुख इसका क्या मामला है, गौर से सुनो। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा कि जाओ जमीन पर मिट्टी लेकर आओ, इंसान बनाएंगे। काफिर का अगर अच्छे काम करेगा जन्नत में जाएगा और गलत काम करेगा तो बोलो थोड़ा बोलो जहन्नम में जाएगा। कहाँ जाएगा? जहन्नम में जाएगा। जिब्रील आए जमीन पर मिट्टी लेने के लिए, कहा जिब्रील क्या करोगे? कहा इससे इंसान बनाया जाएगा, अच्छे काम करेगा जन्नत जाएगा, बुरे काम करेगा तो जहन्नम में जाएगा। जमीन रोने लगी, जिब्रील तुम कैसे हो के लेके जा रहे हो, मुझमें मेरी मिट्टी जहन्नम में जाएगी, ये मुझे गवारा नहीं। जिब्रील मुझ पर रहम खाओ। जिब्रील बड़े रहीम करीम हैं, रहम आ गया, छोड़ के मिट्टी चले गए रब की बारगाह। जिब्रील मिट्टी ले आए, नहीं लाए। क्यों मौला? जमीन ऐसे रोने लगी कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। इसराफील को कहा जाओ तुम ले आओ, वो आई मिट्टी लेने, फिर जमीन ने रोना धोना शुरू किया, वो भी मिट्टी डाल के चले गए। फिर मिकाइल को भेजा गया तुम जाओ मिट्टी ले आओ, वो भी आए, जमीन ने फिर रोना धोना किया, गिरियोजारी की, उनको भी तरस आ गया, वो भी छोड़ के चले गए। अब चौथी मर्तबा कौन आया? मलकुल मौत हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। चार बड़े फरिश्ते हैं ना, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, मिकाइल अलैहिस्सलाम, लेकिन सबसे बड़े फरिश्ते का नाम सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम है। इनका काम था कि नबियों के पास अल्लाह का पैगाम लाते थे, वो नबी को बताते, नबी उम्मत को बताता। मिकाइल का काम है पानी बरसाने की जिम्मेदारी उनकी है। इसराफील का काम ये है कि वो एक सूर लिए खड़े हैं, कयामत के दिन जब वो सूर फूंक देंगे तो ये जमीन आसमान चांद सितारे ये सब खत्म कर दिए जाएंगे, फना हो जाएंगे सब। अब इजराइल आए मिट्टी लेने के लिए, जमीन ने बहुत रोया धोया लेकिन इजराइल ने नहीं सुनी, मलकुल मौत को नहीं तरस आया, लेकर मिट्टी चले गए। यही वजह है कि अल्लाह ने मलकुल मौत को ही जान निकालने के लिए मुकर्रर कर दिया कि ये सही है, इसको तरस नहीं आएगा, जिसकी कहूंगा फौरन जान निकाल के ले आएगा। मलकुल मौत के पास कोई तरस नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने जब से पैदा किया आज तक मलकुल मौत हंसे नहीं है। अब सुने मजे की,
हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी लेकर गए, 40 दिन और रात उस पर बारिश हुई। कितने दिन? 40 दिन 40 रात बारिश हुई, 39 दिन गम की बारिश हुई। कितने दिन? 39 दिन गम की बारिश हुई, एक दिन एक रात खुशी की बारिश हुई, तब आदमी इतराया फिर रहा है। अगर 20 दिन खुशी की बारिश हो जाती तो न जाने क्या होता। 39 दिन गम की बारिश हुई है और एक दिन खुशी की बारिश हुई, तब इंसान की जिंदगी में इतनी खुशियां हैं। बाहर का वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, ज़हनो फिक्र में मैं बात उतारना चाहता हूँ। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ बातें करने आया हूँ ताकि दीन समझें आप कि हमारा दीन क्या है। तकरीर तो आप सुनते ही रहते हैं, फिर कभी मौका मिलेगा सुनाऊंगा, आज मैं बताता हूँ। देखो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को तैयार किया जा रहा है, मिट्टी गूंद दी गई, कीचड़ बनी, 40 दिन बारिश हुई, उसको फिर बनाया गया, एक इंसान बनाया गया। अल्लाह ने रूह डाली आदम के अंदर। रूह को जैसे ही नाक से डाला गया, कान से निकल कर बाहर आ गई। रब ने पूछा क्यों निकल कर बाहर आ गई? मौला अंदर बहुत अंधेरा है, काल कोठरी में कैसे रहेंगे? रब ने फिर रूह डाली, जब फिर डाली फिर निकल कर बाहर आ गई। 3 मर्तबा रूह डाली आदम के पुतले में, निकल कर बाहर आ गई। 4थी मर्तबा जब रूह डाली तो फिर कभी नहीं निकली। उसकी वजह क्या थी साहिबो? अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को आदम की पेशानी में रख दिया था। नूरे मुस्तफा जब आदम की पेशानी में रखा गया तो अंदर अंधेरा नहीं, मुनव्वर हो गया, रोशन हो गया, रूह अंदर प्रवेश कर गई, अंदर रहने लग गई। हजरात, हजरत आदम को अल्लाह ने बगैर माँ बाप के पैदा किया, उनका कोई ना माँ है ना बाप। अब आइए ईसा अलैहिस्सलाम, उनकी माँ कुंवारी है, शादीशुदा भी नहीं है, गुस्ल कर रही थी। सूरे मरियम का तर्जुमा है कि हजरत जिब्रील अमीन आए, मरियम डर गई, इंसानी शक्ल में आए, मरियम डर गई। जिब्रील ने कहा मैं तुम्हें बेटा देने के लिए आया। हजरत मरियम कहते हैं कौन हो तुम? कहा मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं। कहा तुम बात कैसी कर रहे हो? मैं कोई फाहिशा औरत नहीं हूं, ना बच्चा लग, मैं कुंवारी हूं, मुझे बेटा कैसे होगा? जिब्रील कहते इन्ना माना रसूल रब्बिक लियाबा लका गुलामन ज़किया। मरियम ये तू कह रही है ना कैसे बेटा होगा, तेरे रब के लिए ये नामुमकिन नहीं है, ये तेरे रब का फरमान है कि तुझे बेटा देने आया हूं। फूंक मारी जिब्रील ने, हजरत मरियम हामिला हो गई, बगैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जहन में रखें, ईसा का बाप नहीं, आदम का माँ बाप दोनों नहीं। तो अल्लाह ने अपने महबूब को जब पैदा किया तो वो चाहता तो डायरेक्ट आमिना के घर में नाजिल कर देता, चाहता तो खाने काबा की छत पे नाजिल कर देता, बैतुल मुकद्दस पे नाजिल कर देता, लेकिन ऐसा नहीं किया। जैसे आम तरीका कैसा कि पहले बाप के सुल्म में बच्चा होता है, फिर माँ के रहम में बच्चा आता है, फिर दुनिया में पैदा होता है, ऐसे ही अल्लाह ने अपने महबूब को अब्दुल्लाह के सुल्म में रखा, फिर आमिना के शिकम में रखा, फिर पैदा हुए। एक जहन में बात आई, इतने बड़े पैगंबर, नबियों के सुल्तान, सारी कायनात के ताजदार, तेरा महबूब है अल्लाह, तूने एक अनोखा अंदाज क्यों नहीं अपनाया? तो रब कहता है लोगों सुनो, आदम को मैंने इख्तियार दिया था लेकिन एक हद में दिया, मैंने ईसा को इख्तियार दिया था, मोजिजा दिया था कि अंधे पे हाथ फेर दे तो रोशनी आ जाती थी, कोड़ी के ऊपर हाथ फेर दे तो कोड़ सही हो जाता था, मुर्दा जिंदा कर देते थे, ये मोजिजा ईसा को दिया था, इससे आगे अथॉरिटी नहीं दी थी, पावर नहीं दिया था। अब जरा जहन को हाजिर करो,
रब फरमाता है मेरे बंदो, अगर मैं अपने महबूब को खाने काबा की छत पर नाजिल कर देता और फिर महबूब उंगुस्ते रिसालत से इशारा करते चांद दो टुकड़े हो जाता तो लोग क्या कहते हैं, इनके माँ बाप भी नहीं, ये पैदा भी नहीं, नऊज़ बिल्लाह, यही खुदा मालूम होते हैं, लोग इन्हें खुदा समझने लगते हैं। इसलिए मैंने कहा महबूब मैं आम अंदाज अपनाऊंगा, जैसे आम इंसान दुनिया में जाता ऐसे ही तुम जाओ, ताकि लोग तुम्हारी कुदरत, तुम्हारा तसर्रुफ, तुम्हारा इख्तियार देखकर लोग तुम्हें खुदा ना तसव्वुर करने लगे। क्यों ए महबूब, तुम उंगली का इशारा करोगे डूबा हुआ सूरज मंजिल से वापस पलट आएगा। ये मौजिजा मैंने किसी को नहीं दिया लेकिन तुम्हें दिया है, खुदाई वाले सारे पावर मैंने तुम्हें अता कर दिए हैं। महबूब अब लोग तुम्हें खुदा ना समझ बैठे, इसलिए मैंने कहा कि अब्दुल्ला के सुलूब में रहो ताकि लोग खुदा ना समझे, आमिना के शिकम में रहो, पेट में रहो ताकि लोग खुदा ना समझे, महबूब आमिना के घर में पैदा हो ताकि लोग खुदा ना समझे। अल्लाह ने अपने महबूब को कहा ए महबूब मक्के में बाजारों में अब्दुल मुत्तलिब की उंगली पकड़ कर चलो ताकि लोग खुदा ना समझे, दाई हलीमा के बच्चों के साथ बकरी चराने के लिए जाओ ताकि लोगों को जहन में ये बात रहे कि जो खुदा होता है वो बकरी नहीं चराता और जो बकरी चराता है वो खुदा नहीं होता। ऐ महबूब शादी करो ताकि लोग खुदा ना समझे, क्योंकि जो खुदा होता है उसकी बीवी नहीं होती, उसकी शादी लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा है, वो बेनियाज है, अल्लाहु समद अल्लाह बेनियाज है। अब ज़हन को हाज़िर कीजिए, रब फरमाता है ऐ महबूब मैं तिजारत करो ताकि लोग तुम्हें खुदा ना समझे, तुम इबादत करो ताकि लोग खुदा ना समझे, तुम शादी ब्याह करो बच्चे करो ताकि लोग खुदा ना समझे। महबूब सुनो, मैंने तुम्हें मकान में इसलिए पैदा किया, मैंने तुम्हें मकान में इसलिए पैदा किया कि जो मकान में पैदा हो वो खुदा नहीं हो सकता, खुदा मकान से पाक है, जमान से पाक है। तो रब फरमाता महबूब मैंने तुम्हें आमिना के मकान में इसलिए पैदा किया ताकि लोग खुदा ना समझे, और शबे मेराज में लामका इसलिए बुलाया ताकि लोग अपनी तरह ना समझे, अपने जैसा ना समझे, अपनी तरह ना समझे मुस्तफा का, कि उनकी जलमत भी लाजवाब है, उनकी खलमत भी लाजवाब। समझ में आई? आओ अब नबी का मिलाद सुन लो, नबी पाक का मिलाद हजरत आमिना ने जो बयान किया वो सुन लो। अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा सुनो, कहा जब मेरे बच्चे मोहम्मद की वलादत मेरे पोते की वलादत जब हुई उस वक्त मैं खाने काबा में था, सुबह सादिक का वक्त था, मैंने देखा कि नबी की इधर वलादत हुई खाने काबा आमिना के घर को सजदा कर रहा है। 360 बुत रखे हुए थे काबे में, जिस दिन नबी पैदा हुए वो सारे के सारे औंधे मुंह गिर पड़े और काबा सजदे में चला गया। जरा सोचो क्यों ना सजदे में जाता, वो तो काबे का काबा आ गए। जो आला हजरत कहते हैं हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, मैं काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। आओ नबी की माँ बयान फरमाती लोगों मेरे बच्चे मोहम्मद की जब वलादत हुई, अब जहन को हाजिर करो मिलाद मुस्तफा में पढ़ दूं जल्दी तेजी के साथ, थक तो नहीं गए आप लोग, बंद कर दो, थके तो नहीं, हाथ उठाकर कहो या रसूल अल्लाह। सैयदा आमिना बयान फरमाती है मेरे बच्चे मोहम्मद की जब वलादत हुई तो मैंने देखा कि आसमान से एक आवाज आ रही थी, ए आमिना मुबारक हो, तुम्हारी गोद में जो आ रहे हैं ये कोई आम इंसान नहीं है, ये सैयदुल अंबिया तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह।
नबी की माँ बयान फरमाती है, लोगों जब मेरे बच्चे मोहम्मद की वलादत हुई तो गैब से आवाज आ रही थी, ए आमिना इनका नाम मैंने आसमान पर अहमद और जमीन पर मोहम्मद रख दिया। यह है मेरे मुस्तफा की शान, आने से पहले ही नाम रखा जा रहा है। सैयदा आमिना बयान फरमाती हैं, लोगों मेरे बच्चे मोहम्मद की जब वलादत हुई तो अचानक एक आसमान से बादल का टुकड़ा आया, मेरी गोद से मेरा बच्चा गायब हो गया और मैं परेशान हो गई। इतने में एक आवाज आई, आमिना परेशान मत हो, ये सैयदुल अंबिया है, इन्हें कायनात की सैर कराई जा रही है। सुभान अल्लाह, ये शान है हमारे और आपके पैगंबर की। सैयदा आमिना बयान फरमाती हैं कि मेरे बच्चे मोहम्मद की जब वलादत हुई तो जिस तरह आम पैदाइश पर औरतों को जो तकलीफ उठाना पड़ती है, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। नबी की पैदाइश हुई है उसी रात मक्के में, 1000 से ज़ायद बच्चे पैदा हुए, लेकिन नबी की विलादत की बरकत से अल्लाह ने सब लड़के पैदा किए। अब सुनो मजे की बात, सुनो, मक्के से उस पार 12 पहाड़ियों के उस पार एक कबीला आबाद था जिसका नाम कबीले सात के नाम से जाना जाता है। कबीले सात बड़ा मुफलिस कहत साली का शिकार कबीला था, गरीब मुफलिसों का लाश लोग थे। वहां की 10 औरतें तैयार हुई, वहां उस वक्त ये दस्तूर था मक्के में, ये दस्तूर था कि जब बच्चे पैदा होते थे तो दाइयां आती थी, बच्चों को ले जाती थी, दूध पिलाती थी और फिर जब दूध छुड़ा देती फिर आती उन्हें इनामों इकराम दिया जाता था, ये चलन था उस वक्त मक्के में। 10 औरतें कबीले सात की तैयार हुई। हलीमा सादिया से कहा, ए हलीमा सादिया चलो मक्के में बच्चों की पैदाइश हुई है, चलते हैं बच्चे लेने के लिए। हलीमा कहती है कि 4 दिन से मेरा पानी पर गुजारा हो रहा है, मेरी सवारी भी कमजोर है, मक्के जाने के लायक नहीं, लिहाजा मैं नहीं जा सकती। उन 9 औरतों ने कहा, ए हलीमा तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। जिद की हजरत हलीमा को तैयार कर लिया, हलीमा चली है काफिले के साथ। काफिले के लोग मक्के में पहले पहुंच गए, उसकी वजह हलीमा की सवारी कमजोर थी, लागर बीमार थी, कमजोरी की बुनियाद पर रास्ते में 7-7 जगह बैठ जाती थी। जब हलीमा पहुंची तब तक के 7 वाली औरतों ने बड़े बड़े घरानों के बच्चे तलाश कर लिए। लोग बड़े घर का बच्चा पहले तलाश करते थे कि ज्यादा इनाम मिलेगा। अब जहन को हाजिर कीजिए, हलीमा जब पहुंची तो हलीमा इस घर में गई, पता चला कोई बच्चा नहीं, दूसरा तीसरा घर देखा, पता चला जा चुका है बच्चा। हलीमा मायूस होकर लौटी, तब तक कि उसी काफिले की एक खातून से मिल जाती है, ए दाई हलीमा क्या तुम्हें कोई बच्चा नहीं मिला? कहा नहीं कोई बच्चा नहीं मिला। कहे हलीमा सुनो, वो सामने जो बड़ी हवेली है सरदारे कुरैश अब्दुल मुत्तलिब की हवेली है, मैंने सुना है हजरत अब्दुल्ला के घर में बड़ा हसीनो जमील बच्चा पैदा हुआ है, अगर मुझे कोई बच्चा ना मिलता तो ए हलीमा मैं उस बच्चे को ले लेती, लेकिन सुनो हलीमा वो बच्चा यतीम है। उस औरत ने तो यही बताया कि वो बच्चा यतीम है, लेकिन उसे कहां पता कि ये यतीम नहीं, यतीमों के वाली है, यतीमों के चारा साज है, यतीमों की फरियाद सुनने वाले हैं, यतीमों के मावा और मलजा है। लेकिन उस औरत ने कहा कि वो बच्चा यतीम है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास वो खातून लेकर गई, हलीमा ने अपना आने का मुद्दा बयान किया कि मैं बच्चे के लिए परेशान हूँ, सब घर तलाश कर दिए कहीं बच्चा नहीं मिला, लिहाजा मैं चाहती हूँ शहजादे गिरामी वकार को मुझे दे दिया जाए। हजरत अब्दुल्ला ने हजरत आमिना के पास दाई हलीमा को पहुँचा दिया, कहा अस्सलामु अलैकुम, कहा वालेकुम अस्सलाम, कहा कहो कैसे आना हुआ, कहा बहन आमिना मैंने सुना है तुम्हारे घर में बड़ा
बड़ा हसीन और जमील बच्चा पैदा हुआ, मैं चाहती हूँ कि दूध पिलाकर परवरिश करूँ ताकि मुझे इनाम और इकराम मिल जाए। इतना सुनना था हजरत हलीमा की, आमिना की आंखें भीग जाती हैं और कहती हैं, ए हलीमा तुम जिस नियत से आई हो तुम्हारा वो मुद्दा पूरा नहीं होगा, मेरा बच्चा मेरे पेट में था, इनके वालिद का इंतकाल हो गया, हजरत अब्दुल्ला इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। ए हलीमा अगर तुम्हें इनाम इकराम चाहती हो तो जाओ किसी अमीर तरीन घराने में जाओ, किसी अमीर के बच्चे को ले लो। मगर हजरत हलीमा कहती है कि बहन मैंने तुम्हारे शहजादे की बड़ी तारीफ सुनी है, कहाँ जरा दिखा दीजिए। हजरत आमिना फरमाती वो देखो लेटे हुए हैं, आकाए करीम सो रहे हैं, आपके रुखे अनबर पर चादर पड़ी हुई है। हजरत मुस्तफ़ा की चादर, दाई हलीमा का बयान सुनो। हजरत हलीमा बयान फरमाती है, जैसे ही मैंने मोहम्मद के सर से चादर हटाई है तो देखा कि मुस्तफ़ा मुस्कुरा रहे हैं। अब जरा जहन को हाजिर कीजिए, सोता हुआ बच्चा अचानक हंसने लगे कितना अच्छा लगता है, लेकिन ये सैयदुल अंबिया हैं जो मुस्कुरा रहे हैं, शफीउल मुजनबीन हैं मुस्कुरा रहे हैं, तहावा यासीन हैं मुस्कुरा रहे हैं, हम गरीबों के आका हैं मुस्कुरा रहे हैं, आकाए करीम मुस्कुरा रहे हैं। अब मुस्कुरा क्यों रहे थे इसको भी जहन में हाजिर रखिए, क्यों मुस्कुरा रहे थे। हलीमा कहती है कि मैंने फौरन दौड़ के मोहम्मद को उठाया, सीने से लगा लिया, नबी मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुराकर क्या कह रहे थे, दीवानों सुनो अपने आका की शान, मचल जाओगे। नबी मुस्कुराकर क्या कह रहे थे कि ए हलीमा इस भरम में मत रहना कि मुझे कोई लेकर नहीं गया, मैं यतीम हूं, ऐसा नहीं है हलीमा, सच ये है तेरे अलावा मैंने किसी को पसंद नहीं किया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने अहले बैत, फैजाने सहाबा। हलीमा तेरे सिवा मैंने किसी को पसंद नहीं किया है। सरकार की आमद का अंदाज निराला है, सरकार की आमद का अंदाज निराला है, अबे मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला है, मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला है। जाहिर में हलीमा ने, जाहिर में हलीमा ने सरकार को पाला है, जाहिर ये है कि हलीमा ने सरकार को पाला है, और सच ये है कि हलीमा को सरकार ने पाला है, सच ये है कि हलीमा को सरकार ने पाला है। हजरत दाई हलीमा का बयान सुनो, फरमाती है मैंने मोहम्मद को लिया गोद में और मैं दूध पिलाने बैठ गई, मैंने मोहम्मद के मुंह में दाई तरफ का पिस्तान दिया तो मोहम्मद ने दूध पी लिया, जब बाई तरफ का दिया तो दूध नहीं पिया, फिर जब दाई तरफ का दिया फिर दूध पी लिया, बाई तरफ का दिया तो नहीं पिया। उसकी वजह क्या थी, उस वक्त हलीमा अपने बेटे अब्दुल्ला को भी दूध पिला रही थी और खुद सरकार को दूध पिलाने के लिए लेने आई, तो अगर दोनों का दूध सरकार पीते तो ये हक तलफी हो जाती। और डॉक्टर के नुक्ते नजर से औरत के दाएं पिस्तान में दूध कम होता है, बाएं में ज्यादा, सरकार ने कम वाला इस्तेमाल किया, बाया छोड़ दिया, उम्मत को ये जहन दे दिया, लोगों जब भाइयों में बंटवारा करो तो जब तुम बंटवारा कर रहे हो कम तुम ले लो ज्यादा भाई को दे दो। देखिए जरा बचपन में है लेकिन मेरे आका इंसाफ फरमा रहे हैं। हजरत आमिना फरमाती हैं, दाई हलीमा बैठ जाती, अब आमिना कहती है ए हलीमा सुनो मेरा बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, मेरे बच्चे मोहम्मद जब मेरे पेट में आए थे तो मेरे बच्चे के आते ही हर महीने में एक नबी आकर मुझसे कहता था आमिना मुबारक हो, तुम्हारी गोद में जो आ रहे हैं वो सारी कायनात के सरदार आ रहे हैं।
हलीमा बयान फरमाती है, मेरे बच्चे मोहम्मद की जब वलादत हुई, ए हलीमा सुनो, मेरा बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, मेरे बच्चे मोहम्मद की जब वलादत हुई है तो गैब से आवाज आ रही थी, ए हलीमा, ए आमीना, मैंने इनका नाम आसमान में अहमद और जमीन पर मोहम्मद रख दिया है। आमीना बयान फरमा रही है, हलीमा सुनती चली जा रही है, हजरत हलीमा की मोहब्बत बढ़ती चली जा रही है। आखिर में हलीमा कहती है, ए मेरी बहन आमिना, मैं मान गई कि तुम्हारी गोद में जो आए हैं वो आम नहीं है, एक अजीम शान बच्चा है, मैं समझ गई मैं ये आम बच्चा नहीं है। हजरत हलीमा कहती, बहन मुझे अब अलविदाई सलाम लो, रुख्सत दो मुझे, काफिले के लोग जाने वाले हैं। हजरत हलीमा चल देती हैं। अब जरा ज़हनो फिक्र को हाजिर कीजिए, हजरत हलीमा सवारी पर सवार हुई और लेकर जब चली है, काफिले के लोग बहुत पहले चल चुके थे, हलीमा बाद में निकली है मक्के से, लेकिन सवारी अब इतनी तेज रफ्तार हो गई है कि सारे काफिले के लोग पीछे रह गए, हलीमा की सवारी सबसे आगे दौड़ रही है। लोगों ने पूछा, हलीमा ये बताओ क्या मक्के में तुमने सवारी बदल दी? हलीमा कहती, नहीं सवारी नहीं बदली, अलबत्ता सवार बदल गया है। अब सवार बदल गया है। का ए हलीमा, ये रास्ता कैसा महक रहा है, क्या कोई इत्र खरीदा है, कौन सी खुशबू खरीदी है? हलीमा कहती है, मैंने कोई खुशबू नहीं खरीदी, ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सरदार कुरैश के अब्दुल मुत्तलिब के पोते के चलने की बरकत के जिधर से गुजरते हैं रास्ता खुशबूदार। जरा सोचे, गौर करें, आला हजरत ने इसी की तो मंजर कशी की, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए कूचे बसा दिए हैं। अब मैं तेजी के साथ नबी का मीलाद मुकम्मल कर दूं। तकरीर तो आप लोग सुन ही चुके, अब नबी के चुके मीलाद भी पढ़ दूं थोड़ी देर। हजरत आइए नबी का मीलाद सुनिए। अब मक्के से हलीमा निकल गई, 12 पहाड़ियों का मंजर भी समाप्त कर ले, उन 12 पहाड़ियों का मंजर आप देखें। हजरत हलीमा बयान फरमाती है कि उन 12 पहाड़ियां जो बीच में पड़ती थी मक्के से और कबीले सात के दरमियान, उन 12 पहाड़ियों का मंजर हलीमा बयान करती है कि जब मेरी सवारी गुजर रही थी तो शेर चीते जितने थे वो सब झाड़ियों में छुप छुप कर मेरी सवारी की जियारत कर रहे थे। जरा सोचो, ये जानवर हैं, वो भी जान रहे थे कि सैयदुल अंबिया जा रहे हैं, जियारत कर लो। हलीमा बयान फरमाती है, कबीले साद में पहुंच गई। अब कबीले साद का आलम यह है, जब वहां का मामला ये था, कबीले साद में बड़े मुफलिस गरीब कल्लाश लोग रहते थे, कैद शाली के शिकार थे। मगर हलीमा जब पहुंची है मोहम्मद को लेकर, तो हलीमा अपने शौहर से कहती है कि बर्तन निकालो, जानवरों से दूध निकालो। का ए हलीमा, जानवरों के दंत तो उनके दूध तो सूख चुके हैं, उनके थन सूख चुके हैं, दूध कहाँ से निकलेगा, कि जाओ तो सही। हजरत हलीमा फरमाती है, मेरे शौहर जब जानवर धोने के लिए गए तो देखा घर में जितने बर्तन थे सब दूध से भर गए और जानवरों के थनों में अभी दूध बाकी है। हलीमा कहती, लोगों ये सिर्फ मेरे घर में नहीं, पूरे कबीले साथ के जानवरों को देखो, मोहम्मद की बरकत है कि सबके जानवरों के थनों में दूध भरा हुआ है। गौर से सुनो, अब हलीमा लेकर आई है। हलीमा सादिया बयान फरमाती है, जब मैं मोहम्मद को लेकर आई तो लोग मेरे पास कटोरे में पानी लेकर आती थे और कहते थे, ए हलीमा इस कटोरे में इस बच्चे का हाथ डला दो ताकि मैं इस पानी को अपने बच्चे को पिला दूं, मेरा बच्चा बीमार होता तो शिफा हो जाती है, नजर नहीं लगती है। ए हलीमा, लोग कटोरे ले लेकर आ रहे हैं, प्यालियां ला रहे हैं, लेकिन बहुत सी प्यालियां छूट जा रही थी। हलीमा ने देखा कि मैं भीड़ पर काबू ना पा सकूंगी, हलीमा ने अपने दरवाजे पर एक हौज खोद दिया और उसमें आकाए करीम का पैर डाल दिया और कहा, ऐलान कर दिया हलीमा ने, लोगों अब जिसे लेना है मोहम्मद के तलबों का धोबन लेकर चला जाए। आला हजरत इसी को कहते हैं, जिनके तलबों का धोबन है आबे हयात, जिनके तलबों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, सबसे औला वो आला,
हमारा नबी है, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशे में चमका हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। औलिया से खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। हजरत हलीमा सादिया बयान करती हैं कि जिस तरह से लोग आम बच्चे साल में जितना बढ़ते थे, मोहम्मद के बढ़ने का हाल ये था कि उतना महीने में बढ़ा करते थे। जरा सोचो, हलीमा बयान करती है, एक मर्तबा मैंने लिटाया और लिटाने के बाद मैं काम में मसरूफ हो गई। फिर दिल में ख्याल आया कि देखे मोहम्मद सो रहे कि जाग रहे, ये औरतों की आदत होती है। औरत बच्चे को लिटा देती है, थोड़ी देर के बाद जाकर देखती देखे सो रहे हैं या जाग रहे हैं। अगर बच्चा जागता होता तो उसे थपकी देकर सुलाने की कोशिश करती है, और अगर सो जाता तो माँ मुतमईन हो जाती है। हलीमा कहती है मैं पालने के करीब गई, मैं झूले के गई तो मैंने क्या देखा कि मोहम्मद सो नहीं रही, जाग रहे हैं और अपनी उंगली को, ये उंगली उंगुश्ते रिसालत को नबी आसमान की तरफ उठाए हैं। कभी उंगली दाईं तरफ जा रही है, कभी उंगली बाईं तरफ ले जा रहे हैं, कभी सिराने की तरफ, कभी पायती की तरफ। हलीमा कहती है मैं ये मुअम्मा समझ ना पाई, मेरी समझ में मसला नहीं आ रहा था, आखिर मामला क्या है। अपने आका की अजमत जरा मुलाहिदा कीजिए। हलीमा बयान कर रही है कि जब मैंने बहुत गौर व फिक्र किया तो क्या देखा, मोहम्मद की उंगली को देखा, फिर आसमान की तरफ देखा तो मैं क्या देख रही थी कि जिधर मोहम्मद की उंगली जा रही थी आसमान का चांद उधर जा रहा था। जरा सोचो, अपने आका की अजमत मुलाहिदा करो। अभी नबुवत और रिसालत का ऐलान नहीं किया मेरे आका ने, अभी नबुवत का ऐलान नहीं हुआ, अबे इस पार का जब ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम झूले में लेटे हैं और खिलौना चांद खिलौना बना हुआ है। आला हजरत फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आला सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। हजरत नबी की वलादत अगर मैं बयान करूं रात गुजर जाएगी लेकिन वाकया खत्म नहीं होगा। तफसील से अगर बयान किया जाए, आप लोगों ने जौके समात बहुत अच्छे अंदाज में सुना, तबीयत बाग बाग हुई, मैंने भी अच्छे अंदाज में सुनाने की कोशिश की। मैंने वो बातें कही जो आपके अक्ल और फहम में आसानी के साथ गुजर जाए। नबी का मिलाद मनाते रहो, नबी की मिलाद की बरकत अल्लाह बेपनाह अता फरमाता है। नबी की मिलाद की बरकत से बीमारों को शिफा मिलती है, बेरोजगारों को गैब से जरिए माश का अल्लाह इंतजाम फरमा देता है। नबी की मिलाद की बरकत से अबू लहब जैसे जब इतना बड़ा कट्टर दुश्मन सरकार का है, उसने नबी की विलादत में सुवैबा को जब आजाद किया था तो दो उंगलियों से इशारा किया, जा मैंने तुझे आजाद कर दिया, तो उसको कब्र में पीर के दिन उंगली चूसने से पानी मिल जाता है। जब इतना सड़ा काफिर नबी का दुश्मन, उसे नबी के विलादत की खुशी में जब इतनी राहत मिलती है, हम तो नबी के चाहने वाले हैं, हम तो नबी के मानने वाले हैं, हम तो गुलाम हैं उनके, तो हमें क्यों उसका फायदा नहीं मिलेगा। यकीनन मिलादे मुस्तफा की महफिल हमारे और आपके लिए जरिए निजात बन जाएगी। आओ एक हदीस पाक सुन लो, अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर दूं। हदीस बहुत तेजी के साथ मफहूम हदीस सुन लो। अल्लाह फरिश्तों को
कुछ फरिश्तों को रूह जमीन पर सिर्फ इसलिए छोड़ा हुआ है कि जाओ सैरो सयाही करो, देखो मेरे बंदे क्या कर रहे हैं। तिर्मिजी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में भी यह हदीस मौजूद, इसको इमाम खल्लाल ने सुल्ला के अंदर बयान किया है, इमाम देलमी ने बयान किया है, मुसनद अल फिरदौस के अंदर इमाम बहकी ने बयान किया है, इन अब्दुल रज़्ज़ाक ने मुसन्नफ के अंदर बयान किया है और इब्ने हैसमी बयान करते हैं। गौर से सुनो कि अल्लाह के कुछ फरिश्ते जमीन पर टहलते रहते हैं, फिर टहलते टहलते वो गाँव गाँव शहर शहर बस्ती बस्ती करिया करिया सब में घूमते, फिर जाते एक महल्ले में देखते कुछ अल्लाह के बंदे बैठे हैं जो मीलाद मुस्तफ़ा की महफिल सजाए बैठे। फरिश्ते महफिल मुकम्मल होती रब की बारगाह में जाते हैं, रब पूछता कहां से आ रहे हो, मौला फला गांव से फला कस्बे से फला महल्ले की फला मस्जिद से आ रहा हूं, क्या वहां क्या देखा का तेरे बंदे मौला तेरा तेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं। रब फरमाता बताओ क्या उन्होंने कभी मुझे देखा था, नहीं देखा नहीं, बगैर देखे ही तेरी तारीफ बयान कर रहे थे, का फिर क्या कर रहे थे, क्या किस क्या मांग रहे थे, का मौला वो तेरी जन्नत के तलबगार थे दोजक से डर रहे थे। रब फरमाता है ए फरिश्तो मुझे अपने जलाल और जबरूत की कसम है, मुझे अपने इज्जत जलाल की कसम है, ए फरिश्तो गवाह हो जाओ जितने उस महफिल में बैठे थे मैंने सबकी मगफिरत फरमा दी है, सबको जन्नत अता कर दी है, सबको जन्नत अदा कर दी। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, वाकई दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम।